अमेजन रिवर, साउथ अमेरिका का अमेजन रिवर जो है एक कुदरती अजूबा है। काफी सारे रिवर्स मिलके इतना बड़ा रिवर बनता है। हजारों वैरायटी के फिश स्पीशीज वगैरह जो अमेजन में रहते हैं, और हर एक का एक यूनिकनेस, एक ब्यूटी, एंड उन सब में एक अमेजिंग फिश है, ये एल्टम एंजल। एल्टम एंजल्स का साइंटिफिक नाम है टेरोफाइलम एल्टम। इनके जो कॉमन कजिन्स या कॉमन एंजल फिश, वो उसका साइंटिफिक नाम है टेरोफाइलम स्क्लारे। ओके, बहुत फर्क है इन दोनों में। एल्टम एंजल्स के बारे में पूरा जानना चाहते हो, उसको केयर कैसा करना है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, घर में कैसे रख सकते हैं, जानना है तो पूरा वीडियो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें। ज्यादातर एल्टम एंजल्स ओरिनोको रिवर बेसिन या रियो निग्रो रिवर, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह यू नो इज नॉट क्लियर। हर एक सेक्शन में अलग अलग थोड़ा वैरायटीज रहता है, थोड़ा वेरिएशंस रहता है, बट ये ज्यादातर इन लोगों को रियो निग्रो एल्टम्स या ओरिनोको एल्टम्स बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका का वेनेजुएला रीजन में ही मिलता है। एंड एंजल फिश में सबसे बड़ा मतलब ये ऑलमोस्ट 15 इंच तक ग्रो हो सकते हैं। मतलब ये फिन का ऊपर और फिन का नीचे जब ये खुलता है, ठीक है, ये पूरा 15 इंच हो सकता है। अभी ये वाला जो है शायद सबसे बड़ा है यहां पे, एंड पोज भी कर रहा है, तो ये होगा कुछ 8-9 इंच टॉप टू बॉटम। ठीक है, 15 इंच तक ग्रो हो सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा। तो बिकॉज ये इतने बड़े हो सकते हैं, टैंक भी बड़ा होना चाहिए। ये 2 फीट हाइट है, 4 फीट बाय 4 फीट विड्थ है। आप सब ने मेरा बिग टैंक वीडियो, इसका सेटअप, लेआउट सब कुछ देखा है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। एल्टम एंजल्स स्कूलिंग फिश बोल सकते हैं। पीसफुल है, नेचुरली पीसफुल है, बट जब ये मेल फीमेल एक जोड़ी बनता है तो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, टेरिटोरियल या प्रादेशिक हो सकते हैं। टेरिटोरियल मैंने बार बार समझाया कि टेरिटोरियल का मतलब क्या है। मेल फीमेल जब जोड़ी बनाता है, अपना एक स्पेस बनाता है और कोई दूसरा फिश को उधर आने नहीं देगा, ताकि वो अपने अंडों को या बच्चों को बचा सके। लेकिन एल्टम एंजल्स का मेल और फीमेल अभी ऐसे देखना बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता, बिकॉज ये जब ब्रीडिंग पे आते हैं या वो ब्रीडिंग मोड पे आते हैं तब समझ में आएगा। बिकॉज मेल पे ये जो मुंह पे एक थोड़ा सा हम्प जैसा आएगा, नॉचल हम्प बोलते हैं, बट थोड़ा सा हम्प आएगा, तब जाके पता चलेगा कि वो मेल है, और उसके साथ जो चिपकी हुई है वो फीमेल है। ओके, अदरवाइज वेरी कंफर्टेबल। ये साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, पूरा झुंड में आएंगे, ये देखो पूरा साथ में आएंगे, एंड बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं साथ में स्पेशली। एल्टम एंजल्स का बेस कलर सिल्वर है, लेकिन बॉडी पे थोड़ा रेडिश आएगा, हेल्थ अगर अच्छा हेल्थी है तो थोड़ा रेड आएगा बॉडी पे, और ये ब्लैक लाइंस जितना डार्क है उतना हेल्थी है मछली। ओके, दूसरा क्या है, एक हायरार्की भी है, एक पैकिंग ऑर्डर। यूजुअली जो बड़ा, सबसे बड़ा मेल या बॉस, टैंक बॉस, मैंने समझाया था सिक्लिट्स वीडियो में, वो सबसे ज्यादा कलर दिखाएगा, बाकी का थोड़ा उससे डल कलर दिखाएगा, वो ही ज्यादा अग्रेसिव भी होगा और टैंक को कंट्रोल करके रखेगा। सब सिक्लिट्स में ये मेंटालिटी कॉमन है। एल्टम एंजल्स सब कुछ खाएंगे, जो भी उनके मुंह में फिट होगा वो खाएंगे। नाउ वो फिश भी खाएंगे, फिश फूड भी खाएंगे, एंड यू नो आप अगर कुछ ब्लड वर्म्स या कुछ भी डालेंगे तो वो भी खाएंगे। बिकॉज ये वाइल्ड कॉट है,
इनको अक्लेमेटाइज करने का प्रोसीजर बहुत लंबा है। नाउ बहुत लोग मैसेज करने वाले हैं कि वाइल्ड कॉट फिश क्यों लेते हो, यू नो नेचुरल प्रॉब्लम होगा, ये सब यू नो ओवर थिंकिंग के वजह से है आप लोगों का। वाइल्ड कॉट फिश लाने से जो वाइल्ड में या रिवर में है वो खराब नहीं होता, मर नहीं जाता। स्पेशली साउथ अमेरिका में ट्राइबल्स है जो इसी बिजनेस में है, तो वो सीजनली एरिया एरिया से फिश पकड़ते हैं। अगर बच्चा है तो नहीं पकड़ते, वो सीजन बच्चों के सीजन में तो पकड़ते ही नहीं है। स्मॉल साइज जुवेनाइल पकड़ते हैं, उनको अलग करते हैं, उनको एक्लिमेटाइज करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड फिर उतना ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा कभी पकड़ते नहीं। ठीक है, ये लोकल अमेजॉन वाले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं जो ये करते भी हैं। ओके, एंड इट्स अ फ्लरिशिंग बिजनेस, इसके वजह से उनका घर बार चलता है, एंड इसके लिए वो प्रोटेक्टिव भी है, अपने एरियाज में खराब नहीं करते, पानी को गंदा नहीं होने देते, रिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर फिशिंग या पोचिंग होने नहीं देते हैं, ये सब से स्पीशीज मरता नहीं। हां, हालांकि इंडियन रिवर्स में कोई कंट्रोल नहीं है, भैंस भी धोएगा, सोप से कपड़ा भी धोएगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप फिश कैच करके लेके आओ तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये बात समझने वाली बात है कि वाइल्ड कॉट कैसे पकड़े, एक अगर सिस्टमैटिक हो तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वाइल्ड कॉट फिश होने के वजह से ये साउथ अमेरिका से निकल के कोई भी प्रदेश या कोई भी कंट्री में आते हैं। इनका क्वारंटाइन प्रोसेस बहुत लंबा है, और इनको केयर क्या करना है, कैसे टैंक में रखना है बताऊंगा, देखते रहो। अल्टम एंजल्स का जो क्वारंटाइन प्रोसेस है वो लंबा है और टीडियस है। ठीक है, तो अच्छे जगह से ले, ऐसे जगहों से ले जिनको ये मैटर मालूम है, जिनको क्वारंटाइन करना आता है। ठीक है, दूसरा, ये फिश साउथ अमेरिका से निकलते हैं और समझो इंडिया आने वाला है, तो पहले थाईलैंड में स्टॉप होता है या कोई एशियन कंट्री में स्टॉप होता है, फिर इंडिया में आता है। ये 3-4 दिन का ट्रैवल है, वहां पे अच्छे से पैक करते हैं ऑक्सीजन पैक साउथ अमेरिका में, फिर यहां पे आता है, फिर से रीपैक होता है। ठीक है, फिर इंडिया आता है। इंडिया आने तक 3-4 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहां पे ये पाए जाते हैं रियो निग्रो या ओरिनोको बेसिन में, वहां का पीएच 4.8 से 6 के अंदर होता है, यूजुअली 5.5 पीएच होता है, मतलब एसिडिक वाटर, एंड हमारा यहां यूजुअली 6.5-7 तक होता है, तो लेस एसिडिक या न्यूट्रल के पास, तो उनको कंडीशन करना पड़ता है। तो ये कंडीशनिंग का पीरियड जो है कम से कम 1-2 महीना है। इस कंडीशनिंग के पीरियड में एक तो वाटर कंडीशन करेंगे, फिर उनको लाइव फूड से नॉर्मल ड्राई वर्म्स या ब्लड वर्म्स में आदत लगाएंगे, धीरे 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 उनको आदत लगाएंगे। तो वाटर कंडीशन हुआ, बिहेवियरल एडजस्टमेंट हुआ खाने में, और फिर ऑल्सो उनको हमारा जो कंडीशंस है, टेम्परेचर है, वो सब के लिए सेट करेंगे। तो क्वारंटाइन होने के बाद अगर आप खरीदना चाहो तो वो बेस्ट है, बिकॉज ये क्वारंटाइनिंग का प्रोसेस स्लो एंड टीडियस। ठीक है, आइडियल वाटर टेम्परेचर फॉर अल्टम एंजल्स है 26-28 डिग्रीज, बेस्ट टेम्परेचर। आइडियल पीएच 6.5 से कम, 4.8 से ज्यादा, मतलब 5-6.5 अगर है तो बेस्ट है। नाउ अल्टम एंजल्स रखना चाहो और फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, नहीं होगा। अल्टम एंजल्स लिटरली खाना बंद कर देंगे अगर नाइट्रेट लेवल ज्यादा है तो इनके लिए फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पानी बहुत साफ होना चाहिए, नाइट्रेट लेवल 0 होना चाहिए हमेशा। अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो वो खाना बंद कर देंगे, यू नो वो छुपने लगेंगे, सामने आके ऐसा नहीं आएंगे। ये सब इश्यूज है, बिकॉज ये एक रिवर में पले बड़े हैं ना,
रिवर में क्या होता है, पानी फ्लो होता है तो कचरा उसके साथ जाता है और फिश हेल्थी रहता है। तो वेरी 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 गुड फिल्ट्रेशन एंड कम से कम 2 से 3 बार वाटर चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उनका जो एनवायरमेंट है, उनका जो एरिया है, टैंक जो है वो कैसा होना चाहिए? एल्टन्स के लिए छुपने का जगह बहुत ज्यादा चाहिए, डार्क एरियाज बहुत ज्यादा चाहिए, हेवीली प्लांटेड चाहिए, वो भी टॉल जो लीफी प्लांट्स ऐसा हो तो अच्छा है, बिकॉज उनका बॉडी शेप ऐसा है। कुदरती क्या करते हैं, लीफ के जाके पीछे छुप जाते हैं और सेफ लगता है उनको, तो यहां पे भी सेम। ठीक है, यहां पे इनको मारने का फिश कोई नहीं है, मतलब ये सबसे यू नो फूड चेन में सबसे हाईएस्ट है, तो ये इतना बाहर खुल के आते हैं, नेचुरली वैसा नहीं है, बहुत शाय है। ठीक है, तो वो भी सेट होने में टाइम लगता है उनको, अभी उनको मालूम है वो सब कुछ खा सकते हैं यहां पे, तो वो सामने ही रहेंगे। खाने से याद आया, अपने मुंह में जो फिट कर सकते हैं वो खाएंगे, और इनका मुंह दिखता छोटा है लेकिन जब वो खुलेगा तो एक फनल जैसे खुलता है और कुछ भी खींच लेंगे अंदर। अभी रिसेंटली की बात है, कौन सा वाला, शायद ये बड़ा वाला जो है, मैं खाना खिला रहा था और सडनली पीछे गया और उसका मुंह फुल था, मैं सोचा खाना है उसमें, थोड़ी देर बाद आके देखा, मतलब 1-2 घंटे बाद, फिर भी मुंह में फुल था और यू नो वो ऐसा ऐसा कर रहा था, तो सोचा अरे यार ये क्या हुआ, तो स्लोली देखा तो उसके अंदर एक ऑटोसिंक्लेस था। ठीक है, फिर सी ऑटोसिंक्लेस में प्रॉब्लम क्या है, ऑटोसिंक्लेस में एक पॉइंटेड फिन जैसा रहता है बाहर, ये साइड में गिल्स के बाजू में, जो कुदरती अगेन बिकॉज एंजल्स जैसे फिश उनको खाते हैं, वो क्या करते हैं अंदर जाके अटक जाता है गले में या मुंह में, और वो एंजल को भी मार सकता है, तो वो रियलाइज किया और हमने ऑटोसिंक्लेस को निकाला। ठीक है, एंड ये एक यू नो एक अंडरस्टैंडिंग है या लर्निंग है कि वो कोई भी फिश खाएंगे जो इनके मुंह में यू नो फिट हो जाता है, छोटे कार्डिनल्स, छोटे रमिनोस, छोटे टेट्रास, छोटे रासबोरास, जो भी है खा लेंगे, श्रिम्प्स 100% खाएंगे, बट इनको क्या नॉर्मल एक्वेरियम जैसे बेयर बॉटम उसमें रख सकते हैं क्या? ज्यादातर बिकॉज एल्टम एंजल्स को डिस्कस सेल करने वाले शॉप सेल करते हैं, तो लोगों को लगता है कि उनको बेयर बॉटम में रख सकते हैं, नहीं, बेयर बॉटम में एल्टम एंजल्स ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, अगेन बिकॉज मैंने बोला था वो शाय क्रीचर्स है, उनको छुपने का जगह लगता है, प्लांटेड एक्वेरियम में बेस्ट है, बिकॉज प्लांटेड एक्वेरियम में ऑल्सो पीएच कंट्रोल करते हैं हम, 6.5 पीएच डाउन रहता है, उनको हैप्पी रहता है, प्लांटेड एक्वेरियम में फिल्ट्रेशन अच्छा रहता है, तो अगेन बेस्ट पार्ट। नाउ फिल्ट्रेशन में ऐसा नहीं कि फिल्ट्रेशन सुपर फोर्स पावर फिल्टर तो कभी नहीं, फिल्ट्रेशन ईजी होना चाहिए, ये स्लो फ्लो है, रिवर लाइक फ्लो, तो ये क्या है, अंदर जब ये फ्लो जाता है उनको फोर्स नहीं होता है, पानी उनको पुश नहीं करता है, अगर वो पुश नहीं करता है तो ये आराम से स्विम कर सकते हैं, स्लो मूविंग है। ठीक है, उनको फोर्स पसंद नहीं है, ये जरूरी बातें हैं। अभी एल्टम एंजल्स को काफी सारे डिजीजेस हो सकते हैं, अगर टेम्परेचर जल्दी गिरा तो व्हाइट स्पॉट्स, होल इन द हेड, सिकलेट जैसा, ठीक है, फंगस, फिन रॉट, ये सब हो सकता है, और सब पानी गंदा होने के वजह से ही होता है, नाइट्रेट हाई है तो फिश बीमार, इमीडिएटली बीमार पड़ता है, एंड इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव है, अगेन वाइल्ड कॉट फिश ज्यादातर बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर आप एल्टम एंजल्स खरीदना पसंद करोगे या यू नो सोच भी रहे हो तो ये सब रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया ये टैंक जब हमने बनाया तो ऑलमोस्ट हमें 2.5 months लगा टैंक बनाने में, तब से मैं सोच रहा था कि मेरे को अल्टम रखना है, तो ये जो लेआउट है, ये जो डिजाइन है जहां पे फिश पूरा राउंड स्विम करके आ सकता है, हमने अल्टम एंजल्स के वजह से ही बनाया ताकि ये पूरा एक राउंड मार के वापस आ सके,
हाँ राउंड कम मारते हैं, यहाँ पे ज्यादा बैठे रहते हैं बिकॉज ये उनका खाना डालने का जगह है, तो घूम फिर के वहीं पे आते हैं, उनका आदत है। अल्टिमेट एंजल्स के लिए सिंपल मेडिकेशन ज्यादा अच्छा काम करता है। कॉमन रॉक सॉल्ट बेस्ट मेडिकेशन है, वाटर टेम्परेचर, साफ पानी, वेरी 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 गुड फिल्टर मीडिया, ठीक है, लो नाइट्रेट, ओके, सो जीरो अमोनिया, जीरो नाइट्रेट, पानी साफ, तब अल्टिम एंजल्स आप आराम से रख सकते हो। अल्टिम एंजल्स के लिए अगर नीचे सैंड है, कोई भी स्मूथ सैंड, तो बेटर है बिकॉज उनको आदत है थोड़ा सा सैंड उठाने का, फेंकने का, कुछ अगर कीड़ा वीड़ा मिला, बिकॉज कुदरती उनको जमीन पे डेट्रिस वगैरह मिलता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है, तो वो उनका आदत है, अगर सैंड है बेस्ट है। तो ये एक आइलैंड वाला सेटअप जो है जहां पे बीच में प्लांट्स है और पूरा साइड में सैंड है, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। लिलीज, वैलिसिनेरिया, एकिनोडोरस, ये सब प्लांट्स है जो आप यूज कर सकते हो। टॉल ग्रास, टॉल लीव्स, बिग लीफ प्लांट्स बेस्ट है उनके लिए। अगर ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स है जहां पे उनको शेड मिले तो और भी खुश रहते हैं, एक बिकॉज वो शाई है, उनको एक सेफ्टी लगता है, ओके। अल्टिम एंजल्स के साथ आप कोई भी टेट्रा स्पीशीज रख सकते हो अगर थोड़ा बड़ा साइज हो। अल्टिम्स खाएगा जरूर, बट टेट्राज, लॉट ऑफ कैटफिश, कॉरिडोरस, बिकॉज अल्टिम्स को खाना खाने का ज्यादा आदत है, तो ज्यादा खाना चाहिए, तो बहुत खाना बचता है, नीचे गिरता है, तो कॉरिडोरस, कैटफिश, ब्रिसल नोज, रेनबोज ओके, बिकॉज उतना अग्रेसिव नहीं है, रेनबोज अपने आप में रहते हैं अगर झुंड में है तो। बार्ब्स कभी मत रखना बिकॉज वो फिन काटेंगे, ठीक है, बार्ब्स अग्रेसिव होते हैं। तो ये एक उनका कॉम्बिनेशन है, या कंपैटिबल फिश बोल सकते हो। यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक बोनस पॉइंट, अल्टिम एंजल्स यॉन करते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, उबासी लेना, ओके, यॉन यॉन करते हैं, ठीक है, अंगड़ाया नहीं भरते हैं, यॉन करते हैं, ठीक है, एंड बहुत फ्रेंडली है, अगर आदत लग गया तो देखो हाथ लगाते ही आ जाएंगे बिकॉज उनको मालूम है खाना मिलेगा, बहुत इजीली अडेप्टेबल, बहुत फ्रेंडली, ठीक है, एंड वेरी क्या बोलते हैं ना, इंट्रैक्टिव। अभी आप लोगों ने देखा है, जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूं, ये मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि खाना मिलेगा, एंड मिलना भी चाहिए, तो चलो अभी इनका खाने का टाइम है तो खाना खिलाते हैं, ओके, चलो। अल्टिम एंजल्स को बेस्ट मेथड क्या है खाना खिलाने का, थोड़ा 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 थोड़ा, एक 5-6 बार खाना खिलाओ, वो बेस्ट है। सुबह में थोड़ा डाला, फिर बाद में थोड़ा, फिर बाद में थोड़ा, बट रेगुलर खाना खिलाते रहो, बहुत हेल्दी रहेंगे, ठीक है। ओवर फीड कभी मत करना, वो आप जितने भी बार हाथ ऊपर करोगे वो आने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखे हैं, एक्चुअली है, ठीक है, बट हमें देना नहीं, लिमिटेड क्वांटिटीज, कैलकुलेटेड या मेजर्ड क्वांटिटीज देना बेटर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड को डिवाइड करो बिकॉज इनमें हायरार्की है, बड़ा मछली ज्यादा खाएगा, छोटा वाला जो नीचे रहता है वो हायरार्की में लो है, उसको कम खाना मिलता है हमेशा, तो सेपरेट करने से आपको या उनको हर एक फिश को खाना मिलेगा, ये जरूरी बात है। अल्टिम एंजल्स के लिए ना काफी वैरायटी का खाना लगता है, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, ये ट्रॉपिकल कंपनी का डिस्कस ग्रैन या डिस्कस वाइल्ड, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्स, यू नो, हाई फाइबर, एडीए का AP3, एंड यूजुअली मैं क्या करता हूं, मैं समझाता हूं, एक टाइम में 2-3 वैरायटी का खाना खिलाता हूं, थोड़ा सा AP3, ये याद रखो कि इनको सबको खाना मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ा फ्लेक्स डाला, थोड़ा ग्रैनुलेट्स डाला, यू नो, मिक्स करके डालने से इन सबको खाना मिलता है, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी। तो ये वाला ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स है, मैंने इसके 2 टुकड़े किए हैं, वो क्यूब का, और अलग अलग जगहों पे डालने वाला हूं, ये देखो, थोड़ा उस तरफ, थोड़ा इस तरफ, ताकि सबको खाना मिले, नहीं तो ये क्या होने वाला है,
एक टुकड़े को देखो, एक बड़ा फिश उठाएगा और पूरा खा लेगा, ये करने वाला है। वो खींचने से क्या होता है, ये देखो गया, बिकॉज इनका मुंह थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा ग्रीडी भी होते हैं और फटाफट खा भी लेते हैं। आइटम्स को खिला रहे हैं तो थोड़ा बहुत बाकी फिश को भी हो जाएगा। ये थोड़ा फ्लेक्स है, ये मैं फ्लेक्स लेके क्या करूंगा, ये थोड़ा इसको हर जगह फैला दूंगा। अगेन सब नीचे भी गिरेगा, नीचे वाले फिश को भी मिलेगा, इनको भी थोड़ा मिलेगा। याद रखो आइटम्स में भी एक हायरार्की है, मतलब जो बॉस फिश है वो सबसे ज्यादा खाना खाएगा, जो वीकर फिश है वो उसको कम खाना मिलेगा। तो खाना स्प्रेड करने से, डिवाइड करने से सबको खाना मिलता है और वो बहुत जरूरी बात है। तो आपने आज अल्टम एंजल्स के बारे में बहुत कुछ देखा, सीखा, जाना, समझा। एंड मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया अल्टम एंजल्स के बारे में। एंड मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें, अगर आपको याद है, हमने एक कावेरी रिवर एक्वेरियम बनाया था, ठीक है, एंड वो एक्वेरियम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिक्लिड एक्वेरियम, मतलब 4 फीट का सिक्लिड एक्वेरियम बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बने रहो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, मजा लो। तब तक के लिए बाय बाय।